क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल। जिस दुकानदार को बहुत क्रोध आता है उसके ग्राहकों की संख्या निरंतर कम होने लग जाती है। जिस साधु को बहुत क्रोध आएगा उसके भक्तों की संख्या कम होना शुरू हो जाएगी। और जिस नेता को क्रोध आएगा उसके सहयोगियों की संख्या कम होने लग जाएगी। और जिस कर्मचारी को क्रोध आएगा उसका प्रमोशन होने से रुकना शुरू हो जाएगा। और जिस मजदूर को क्रोध आएगा उसको नौकरी पे रखने वाला मालिक नहीं मिलेगा। और जिस सासू को गुस्सा आएगी बहुत ज्यादा उसको बुढ़ापे में पानी देने वाली कोई लाड़ी नहीं मिलेगी। बस डोकरा डोकरी दोनों रोते रहो पड़े पड़े और गीत गाते रहो कि न जाने क्या कर्म किया था अकेले पड़े हैं। अपने बेटे बहू को गाली बकते रहो, अपनी कमी को भी देखो। 60 वर्ष की उम्र के बाद आदमी असमर्थ अवस्था की तरफ प्रस्थान करता है। 80 साल की उम्र के बाद मनुष्य जर्जर अवस्था की ओर प्रवेश करता है। उस समय उसको अपने अहंकार को विदा कर देना चाहिए और भक्ति भजन में पूरा ध्यान लगाना चाहिए। सुबह शाम बेटे बहू की प्रशंसा के गीत गाना चाहिए और बहुत प्रेम से भोजन करके मुस्कराना चाहिए। अब वो समय चला गया किसी को डांटने फटकारने का, अब तो गम खाकर उसी में रह लेना चाहिए। बहुत हो गया, सुधार हो जाए। कितने लोगों का स्वभाव बहुत गर्म स्वभाव होता है, किसी के साथ रह ही नहीं सकते। क्षमता रखो, सहनशीलता रखो,